जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम जो में बहुत बहुत स्वागत है, आभार है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। अगर आप नए व्यूअर हो, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें और हज़ारों लाखों लोगों को हमारे द्वारा निशुल्क ज्योतिष परामर्श उपलब्ध करवा दिया गया है और बारी अब आपकी है, तो प्लीज़ सपोर्ट करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि क्या आपकी राशि के लिए या पूर्व जन्मों का संबंध क्या इस जन्म में जन्म से होता है या इस जन्म में होता है, कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म या पूर्व जन्म की धारणाएँ हैं या पूर्व जन्म के बारे में जितने भी ये गॉसिप जो बातें करते हैं लोग, वो कहाँ तक सही हैं और उनका क्या हमारे इस वर्तमान जीवन से लेना देना है। तो सबसे पहली और मुख्य बात, हमारे हिंदू धर्म में इस बात को मानता है कि व्यक्ति 84 लाख योनियों के बाद मानव जन्म प्राप्त करता है और 4 युग, सतयुग, द्वापर युग, कलयुग, त्रेतायुग, ये जो 4 युग हैं जो बटे हुए हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं, एक के बाद एक आते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को कई बार ऐसा महसूस होता होगा कि किसी जगह पर आप गए तो आपको लगता है कि इस जगह पर तो मैं पहले भी कभी आ चुका हूं। ऐसा क्यों लगता है, पहला प्रश्न ये। दूसरी बात है, किसी से मिलना, किसी से बात करना और किसी व्यक्ति से जुड़ना, जब तक हम अननोन होता है वो व्यक्ति हमारे, लेकिन जब ज्ञात होकर हम उससे जुड़ता है तो आपको ऐसा लगता है कि इन व्यक्तियों को तो मैं बहुत दिनों से जानता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि सब ये जितना भी मंजर जो बीत रहा है ये एक बार हो चुका है। ये आपका व्यक्तिगत जो बात है, जो प्रैक्टिकल बात है, उस बात को मैं पहले इंगित कर रहा हूं। तो ये चीज़ आमतौर पर हर बुद्धिजीवी के साथ ये चीज़ होती है कि उसे सब कुछ देखा देखा सा लगता है। तो जो पूर्व जन्म की धारणाएँ हैं वो बिल्कुल सत्य है दोस्तों, आपका पूर्व जन्म बिल्कुल होता है और पूर्व जन्म के किए गए कर्म और प्रारब्ध के किए हुए कर्म, पूर्व जन्म के किए हुए कर्म, इन दोनों के मद्देनजर इन दोनों का जो भी संतुलन होता है वो हमारे इस जीवन में बिल्कुल प्रभाव उसका होता है। तो पहली और मुख्य बात कि मान लीजिए आपको पता कैसे कि हमने पूर्व जन्म में कर्म अच्छे किए या नहीं किए या ये किया वो किया। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसा आपने देखा होगा कि बहुत छोटी जगह होकर बहुत बड़े स्थान तक पहुँचते हैं, तो उनके प्रारब्ध के जो कर्म है बड़े अच्छे नहीं बोल सकता मैं, और अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से, ईश्वर की कृपा से वहाँ तक पहुँचे हैं। और कलयुग एकमात्र ऐसा युग है दोस्तों कि जहाँ पर केवल और केवल ईश्वर का नाम ही सबसे बड़ी तप है। तो इसलिए सिर्फ श्री राम, जय राम, जय जय राम आप मंत्र जाप करें, आपके जितने भी पाप होंगे, जितने भी आपने वो कर्म किए होंगे, अकर्म किए होंगे, उन सभी से आप छुटकारा पा पाएंगे। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आप कलयुग में जन्म लिया है, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपके पास बुद्धि है, विवेक है, सोचने की क्षमता है और सत्य के बहुत करीब है आप। तो प्लीज़ आप पूर्व जन्म के किए गए कर्मों से यदि छुटकारा चाहते हैं तो इस जन्म में आप श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, कलयुग केवल नाम आधारा, ये बात आपने सुनी है, तो कलयुग केवल नाम आधारा, आप श्री राम का नाम लें, जो भी आपके इष्ट हैं उनका नाम लें, आपके जितने भी किए गए वो जो कर्म है जिनसे आप छुटकारा चाहते हैं बिल्कुल हो पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे और कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं वो भी ज़रूर लिखें। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय हिंद, जय भारत।